आज मैं बना रही हूँ बहुत टेस्टी वाले चिली गार्लिक नूडल्स। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेवर आपका घर में आने वाला है अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु। तो चलिए आइए फटाफट से देख लेते हैं वीडियो में मैंने इसे कैसे बनाया है। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, सबसे पहले लीजिए आप कश्मीरी मिर्च। ये मार्केट में मिल जाती है, अगर आपको मार्केट में ना मिले तो ये ऑनलाइन बहुत ही ईजिली मिल जाती है। इसको आप बिल्कुल खौलते पानी में 15 मिनट के लिए भिगो के ढक के रख दीजिए। 15 मिनट बाद ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगी और फिर इसको आप मिक्सी में पीस के एक बढ़िया सा इसका बारीक पेस्ट बना लीजिए। अब क्या कीजिए, आप गैस पे रखा है मैंने एक पैन जिसमें मैंने डाला है बारीक कटा हुआ अदरक और ढेर सारा डाला है मैंने बारीक कटा हुआ गार्लिक, क्योंकि ये गार्लिक नूडल्स हैं तो इसमें गार्लिक तो भाई ज़्यादा जाएगा। जब ये हल्का सा भुन जाए, हल्का हल्का सा जब पिंक हो जाएगा, तब आप इसमें डाल दीजिए हमने कश्मीरी मिर्च का पेस्ट बनाया था ना, वो डाल दीजिए करीब 2-3 टेबल स्पून भर के। कश्मीरी लाल मिर्च फ्रेंड्स तीखी नहीं होती है ज़्यादा, तो इसको स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप चिली फ्लेक्स का यूज़ ना करें, लेकिन जो चिली गार्लिक नूडल्स होते हैं ना वो थोड़े स्पाइसी होते हैं। इसको हल्का सा भून लीजिए और फिर डाल दीजिए आप इसमें मोटे कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर या जो भी सब्जियां आपके बच्चों को पसंद है या आपको पसंद है, आप जो भी इसमें और ऐड करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। जैसे रेड या येलो वाली आप वो भी डाल सकते हैं, इसमें बेल पेपर, बीन्स डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। हल्का सा नमक डाल के बिल्कुल हाई फ्लेम पे आप सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लीजिए, क्योंकि सब्जियों का क्रंच बना रहना चाहिए, सब्जियाँ गलनी नहीं चाहिए। 1/2 टीस्पून डाला है मैंने इसमें सोया सॉस और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अब डाले हैं मैंने इसमें अपने बॉईल किए हुए नूडल्स। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेवर आने वाला है। आप इसको इसी तरह से बनाइए, अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स लाइक कर लीजिए, और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप लोग चिली गार्लिक नूडल्स किस तरह से बनाते हैं। हल्का सा आप इसमें नमक डाल दीजिए और 1/2 टीस्पून डाला है मैंने इसमें वाइट विनेगर। अगर आप अजिनोमोटो खाते हैं तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में अजिनोमोटो नहीं खाया जाता इसलिए मैं इसमें अजिनोमोटो का यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो लोग फेसबुक पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे स्पाइसी वाले चिली गार्लिक नूडल्स। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं मेरे कहने में फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको ये ज़रूर पसंद आएंगे। हल्का सा इसमें डाल दूंगी मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए बनके बिल्कुल रेडी हो गए ना, लग रहे हैं ना बिल्कुल मुंह में पानी लाने वाले टेस्टी वाले नूडल्स। आप इस तरह से एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो लीजिए इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे टेस्टी वाले स्पाइसी वाले चिली गार्लिक नूडल्स। जल्दी मिलूंगी मैं आपसे ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के साथ में। बाय बाय।